शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर के हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, साथ ही इसको पलटवार भी बीजेपी की तरफ से इस पर किया गया। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी आर पार शुरू हो गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि सरकार डर रही है अविश्वास प्रस्ताव से, तो बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने 9 साल पहले वाला अविश्वास प्रस्ताव याद दिलाते हुए कहा जो 9 साल पहले हुआ था वही अब होगा। देखिए, सियासी घमासान मच गया है। कार्य मंत्रणा समिति की इस वक्त विधानसभा में बैठक चल रही है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कितनी हो पाती है, क्या मुकर्रर होता है, वो कुछ देर में साफ होगा, लेकिन सियासी घमासान साथ में आसमान पर पहुंच गया है। कांग्रेस पार्टी के एक और विधायक मेरे साथ मौजूद है। सर, 9 साल पहले 2013 में भी आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, बीजेपी कह रही है कि तब तो आपके ही साथी ने विरोध कर दिया था, ऐसा अब ना हो जाए? ऐसा है कि जब जो कुछ हुआ है वो भाजपा की ही करनी और कथनी जो है वही दिखती है। अभी जो सरकार गिरी थी तब भी लोगों जनता ने देखा कि भाजपा ने क्या किया, अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन भाजपा अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा तो कराए, इससे क्यों डर रहे हैं, इससे क्यों भाग रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के विधायक एकजुट है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, एक मतेन है और पूरी कमर कस के जनता के मुद्दों के लड़ने के लिए तैयार। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, हम तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। तैयार है तो वो सामने आ जाएगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने तैयार हैं तो फिर घबराहट क्यों है? सिसोदिया जी को 9 साल पुरानी बातें याद क्यों आ रही? क्यों इस बात का डर है, क्यों इस बात की चिंता हो रही? उन्हें तो खुल के बोलना चाहिए कि साहब हम बात करने तैयार हैं। आज प्रदेश में महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरा कर्जे में डूबा हुआ प्रदेश है, पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं कम हो रही, राशन नहीं मिल रहा लोगों को, और ये सरकार कहती है कि बहुत कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये सामने आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है और कह रही है कि हम तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं पर ये चर्चा से बच रहे हैं क्योंकि बीजेपी डरी हुई है। कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर, सामने अभी आएगा ना, अभी हाउस के अंदर सारी चीज़ें सामने आएंगी। जब जब भी चर्चा की बात इन्होंने उठाई और जैसे ही चर्चा शुरू करने के लिए सत्ता पक्ष ने सहमति दी, ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। 9 साल पहले भी लेकर आए थे ये अविश्वास प्रस्ताव। हाँ, 9 साल पहले लाए थे और आपने याद होगा कि क्या दुर्गति हुई थी कांग्रेस की। बिना किसी आधार के झूठे ऐसे आरोप लगाए थे कि जब उसका जवाब दिया गया तो बगले झाँकते हुए दिखाई देते थे। बीजेपी तोड़फोड़ कर देती है, हम तो एकजुट रहते हैं, ये तो पूरे देश को मालूम है। मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इनकी एकजुटता कितनी स्थायी है, आपस में इतना अंतर विरोध है इनके अंदर जिसके कारण की परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। बीजेपी भाग जाती है, एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सत्री पूरा नहीं चलाते हम लोग। बीजेपी के पास इतना काम है देश का और समाज का कि उनके बीजेपी के पास ये फुर्सत नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ों में अपना समय खराब करें। अच्छा, समय जाया करती है कांग्रेस पार्टी सदन का। बिल्कुल, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत मुस्कुराते हुए सदन में पहुंच रहे हैं। सर, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है कांग्रेस पार्टी, चर्चा चाहती है? कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, हम जरूर, हमारी सरकार जनहितैषी काम पे मोहर लगाएगी और जनता के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे बता रही है, कारम डैम हो, खाद, किसानों की खाद किल्लत, रोज नए निर्णय जनता के हित में लिए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उनके पर मोहर लगेगी। और विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं, 15 महीने की खामी है, 15 महीने में जो धोखा किया, विश्वासघात किया, उसको दबाने के लिए कांग्रेस छिपा रही है। कांग्रेस अस्तित्व खो गई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है आप डर रहे हैं, डर रहे हैं इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस डर रही है, बचने के लिए डर रही है कि और लोग टूट करना चले जाए, बिखर ना जाए। हाँ। इसलिए बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, हाथ पकड़ के एक दूसरे को खींच रहे हैं कि भाई साथ ही साथ निभाना, छोड़ ना जाना, ऐसा कांग्रेस का चल रहा है। 2013 में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, इतना मुस्कुरा रहे हैं आप, उनको घबराहट है इसलिए वो हाथ पकड़ रहे हैं एक दूसरे का, छोड़ कर मत भग जाना। ये सब ये मुस्कुरा रहे हैं सरकार के मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, अविश्वास प्रस्ताव से कह रहे हैं कि कोई डर नहीं है। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। सर, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी कह रही है 2013 में लेकर आए थे तब इनके ही साथियों ने साथ छोड़ दिया था। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा चरम सीमा पर भारतीय जनता पार्टी ने पहुँचा दी है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी हो गया था और हम पूरी तैयारी से उनके खिलाफ पीएचई विभाग की
जो जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार चल रहा है वो खोल के रख देंगे। ये तो कह रहे हैं पीएचई से हमने जल जीवन मिशन से हर घर पानी पहुंचा दिया, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार खोल। धरातल पे कुछ भी नहीं है, केवल भ्रष्टाचार का पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं। पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता सुखदेव पांसे थे, अविश्वास प्रस्ताव पर आर पार इस वक्त मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखने को मिल ही रहा है प्रमोद, लेकिन पूरी तरह से सरकार को कैसे घेरा जाए, हर एक पूर्व मंत्री को, विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, कैसे अपने अपना पक्ष मजबूत करके सरकार रखेगी। देखिए, कमलनाथ ने पूर्व मंत्री और सीनियर विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो विभागवार तैयारी करें और एक्सपोज करने का काम करें। अब ये जिम्मेदारी तो सौंपी गई है, पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी काम तो कर रही है, लेकिन अब शीतकालीन सत्र है, शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की, मंत्रियों को काउंटर करने की ये तैयारी है और तमाम जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपने अपने प्लान में जुट गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि शीतकालीन जो सत्र शुरू हो रहा है कितनी सार्थक चर्चा हो पाती है, हमेशा छोटा सत्र रहता है, ये विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है, तो अब जो सत्र रहने वाला है वो कितना लंबा चलता है, कितनी चर्चा हो पाती है, 5 दिन का सत्र क्या 5 दिन चलेगा या उससे पहले सिमट जाएगा, ये तमाम जो अलग अलग सवाल हैं वो रह रहकर इस वक्त खड़े हो रहे हैं और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। एक और देखिए बीजेपी के समर्थन दे रहे हैं, दौर लगातार चल रहा है, आगे कार्रवाई शुरू होगी, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, तमाम जानकारी